अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के ब्लॉग का हम आगाज़ कर रहे हैं। और जैसा कि मौसम है, गर्मा आ चुका है। और ये सामने कनक है, और जैसा कि कहते हैं ना कि किसान ज़मीन से सोना निकालता है और ज़मीन उसकी सोना उगलती है। तो ये देखें, सोने की तरह ये सोना ही तो है। इसे बेच के चाहे सोना ले आए, तो चाहे गंदम रखे। ये दोस्तों ट्रैक्टर जा रहा है और सीधा हमारी ज़मीनों में इसने घुसना है, और उसके बाद इसने कटिंग शुरू कर देनी है। अच्छा भाई, हमारी कितनी ज़मीन है? सारे पाँच किले जो अभी एकड़ जो लगी हुई है अभी। अच्छा भाई से पूछा है तो हमारी 5 किले ज़मीन है जिसमें लगी हुई है, बाकी भी है, लेकिन बाकी में अभी पट्ठे हैं और दूसरी कमाद है जी, उसमें गन्ने बीजे हुए हैं। ये हमारी दोस्तों ज़मीन के साथ एक तालाब है, बारिश का पानी इकट्ठा होके तो तालाब बन चुका है। और ये देखें, ये बाकी की ज़मीनें भी ख़राब हो गई हैं इसकी वजह से। तो फ्यूचर में हम इधर पानी छोड़ के और इधर फिशिंग करेंगे जी। इसके अंदर थोड़ी बहुत मछलियाँ तो हैं, लेकिन वो किसी ना काम की हैं। मुरगाबी भी है, छोटा परिंदा मुरगाबी। फ्यूचर में हम इधर ये प्लान बनाया हुआ है हमने कि इधर हम फिशिंग करेंगे, फार्म बनाएंगे छोटा सा फिश फार्म। और बाकी जिधर देखें कनक ही कनक है अभी तो। इधर अभी चाय प्रोग्राम हो रहा है, इसके बाद इधर कटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल साफ सफाई के साथ, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन के साथ ये मशीन कटिंग करती है। कटिंग के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ये प्रोसेस है। एक ज़मीन में तकरीबन 50-60 एक गठलियाँ बन जाती हैं, जो कि एक बंदा आराम से उठा सकता है। अब इसके बाद मशीन लगेगी, इसे थ्रेशर कहते हैं।